खबर है लखनऊ से खबर, जहां समाजवादी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री अहमद हसन, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी पहुंचे राजभवन। सपा नेता आजम खान का शोषण करने की शिकायत। बता दें कि मीडिया संस्थानों पर छापेमारी की शिकायत की गई और शिकायत करने राजभवन पहुंचे सपा नेता। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद, आपसे मोहम्मद सफी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन, पूरी जानकारी क्या है और राजभवन में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये तीसरी बार जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा है और अपनी बातों को रखने जा रहा है। और इस बार जो सबसे जरूरी बात लोगों को रखनी है वो आजम खान को लेकर रखनी है। साफ तौर से सपा का ये कहना है कि आजम खान का जो शोषण हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए वो राजभवन गए हुए हैं मुलाकात करने के लिए। और जो मीडिया का संस्थानों का लगातार छापेमारी चल रही है या जो भी बात सामने रही उसकी बात रख रहे हैं, क्योंकि सारे जितने भी विपक्ष पार्टी है वो लगातार इन बातों को रख रहे हैं कि मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्रता से काम करती है, लेकिन उस पर आईटी की रेड पड़ रही है। तो इन सभी मुद्दों और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर राजभवन गए हुए डेलीगेशन, फिलहाल अभी मुलाकात चल रही है, अभी बाहर नहीं निकले हैं। क्या कुछ और बातें हुई है ये बाहर निकलने के बाद साफ हो पाएगी। जी मोहम्मद सफी, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी राजभवन पहुंचे हैं। हमारा देश, हमारे प्रदेश।